उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली कटघर इलाके के देवापुर ग्राम में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हंगामा और मारपीट शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग होने लगी। देवापुर के मौजूदा प्रधान व पूर्व प्रधान पक्ष के समर्थकों में हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के समर्थकों ने प्रधान और उसके समर्थकों ने दूसरे प्रधान पक्ष के समर्थकों के दुकानों पर पथराव कर दुकानों को और वहां खड़े दो पहिया वाहनों को तोड़ डाला। काफी देर तक दोनों पक्षों में जमकर मारपीट व तोड़फोड़ होती रही। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख दोनों ही पक्षों के समर्थक घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस लगातार गांव में उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से ही देवापुर ग्राम में चुनावी रंजिश को लेकर मौजूदा प्रधान व पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में कई बार टकरा चुके हैं। हर बार पुलिस दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा देती थी, लेकिन आज मौजूदा प्रधान के एक समर्थक की दुकान पर पूर्व प्रधान का समर्थक अंडे लेने गया था। अंडे के पैसों को लेकर दोनों में पहले मामूली धमागर्मी हुई, उसके बाद इस विवाद ने काफी बड़ा रूप ले लिया। जैसे जैसे ये खबर गांव में फैलती गई वैसे वैसे दोनों ही पक्षों के समर्थक मामूली बात पर भड़क गए और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे के समर्थकों की दुकानों में और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ के साथ ही पथराव किया और फायरिंग भी की गई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद बारी पुलिस फोर्स के साथ देवापुर गाँव पहुंचे। पुलिस को आता देख हंगामा करने वाले ग्रामीण मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। ये देवापुर गांव थाना कटघर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पथराव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहां पे पुलिस पहुंची है तो जो यहां पे पथराव कर रहे थे इस समय फरार हो गए। इस समय कोई भी पक्ष उपलब्ध नहीं है। यहां पे पुलिस की तरफ से इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा जा रहा है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी जो भी साक्ष्य तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। पर क्या कारण रहा पथराव करने का? अभी जानकारी की जा रही है, पूरा प्रकरण अभी जांच की जा रही है, जो भी अपडेट होगा उससे अवगत कराएंगे। सर फायरिंग हुई है यहाँ पे काफी देर? अभी तक तो फायरिंग की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं थी, पथराव की बताई है। अभी जाँच की जा रही, जो भी नए तथ्य उपलब्ध होंगे।